नमस्कार, सिटी चैनल में आपका स्वागत है। सिटी रिपोर्ट के आज के इस अंक के साथ मैं हूँ लक्ष्मी ठाकुर। 37वीं हैंडबॉल अंडर 19 नेशनल चैंपियनशिप का आगाज 7 अक्टूबर को झारखंड के जमशेदपुर में होगा। ये जूनियर बॉयज नेशनल प्रतियोगिता 7 से 12 अक्टूबर तक चलेगी, जिसको लेकर हिमाचल की टीम सिलेक्शन के लिए बिलासपुर के लुहणु स्टेडियम में ट्रायल किए गए। इस ट्रायल में प्रदेश भर के 100 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें से 20 खिलाड़ियों का चयन किया गया जो प्रदेश की तरफ से टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। झारखंड के जमशेदपुर में होने जा रही 37वीं हैंडबॉल जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में हिमाचल की टीम के लिए खिलाड़ियों की चयन प्रक्रिया बिलासपुर के लुहणु स्टेडियम में हुई। वहीं इस चयन प्रक्रिया में प्रदेश भर से 100 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिनमें से 20 खिलाड़ियों का चयन किया गया। चयनित खिलाड़ियों में से 16 खिलाड़ी अपनी परफॉर्मेंस देंगे और 4 खिलाड़ी स्टैंड बॉयज होंगे। इस बात की जानकारी देते हुए जिला खेल अधिकारी श्याम सिंह ने कहा कि हिमाचल टीम के चयन के लिए विभिन्न अनुभवी कोचों द्वारा होनहार खिलाड़ियों का चयन किया जा रहा है, जो विभिन्न प्रदेशों की टीमों को कड़ी टक्कर देंगे। हमारा जो आज ट्रायल रखा है, पूरे हिमाचल का जो जूनियर बॉयज टीम है जो नेशनल होने जा रही है, 37वीं जूनियर नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप झारखंड में जमशेदपुर में, ये 7 से 12 अक्टूबर तक होगी। तो आज जो हमारे ट्रायल रखे हैं अंडर 19 बॉयज़ के हैं, जो 95 में जो पैदा हुआ है उसके बाद जो है वो इसमें ट्रायल दे सकता है। तो आज कोई 100 के करीब हमारे पास लड़के हैं, इसमें टीम सेलेक्ट करेंगे हम 20 की। 16 की टीम जाएंगी और 20 के 4 हमारे स्टैंड बॉयज होंगे, जो हमारी सिलेक्शन कमेटी है, जिसमें हमारे प्रवीण रनौटिया जी हैं, जो चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी हैं, राकेश शर्मा जी हैं, राजकुमार राणा जी हैं, अशोक शर्मा जी हैं, रफीक हैं और भी जो साथ हैं। टीम में चयनित खिलाड़ियों की खुशी भी देखते ही बनी और उन्हें पूरा विश्वास है कि वो अपने हिमाचल का नाम पूरे देश में रोशन करेंगे। हिमाचल की टीम 5 अक्टूबर को जमशेदपुर के लिए रवाना होगी। मेरी सिलेक्शन हैंडबॉल अंडर जूनियर अंडर 19 में हुई है और हमारी टीम जमशेदपुर में जा रही है और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम वहां से कप जीत कर लाएं और अपने हिमाचल का नाम रोशन करें। इस चयन प्रक्रिया में हिमाचल हैंडबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष बंबर ठाकुर भी मौजूद रहे। बंबर ठाकुर ने चयन प्रक्रिया में आए प्रदेश भर के खिलाड़ियों का बिलासपुर में स्वागत किया और हिमाचल टीम में चयनित खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। बंबर ठाकुर ने कहा कि ये सौभाग्य की बात है कि इतनी संख्या में खिलाड़ी यहाँ पहुंचे हैं और कोचों द्वारा होनहार खिलाड़ियों का चयन हिमाचल टीम के लिए किया गया है। बंबर ठाकुर ने हैंडबॉल एशिया कप में भारत की टीम से खेल रहे हिमाचल के ललित कुमार को भी बधाई और शुभकामनाएं दी, ताकि वो आगे चलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश और प्रदेश का नाम रोशन करें। ये पहली बार हुआ है इतने संख्या में बच्चे यहाँ पे हमारे कहलूर कॉम्प्लेक्स में अपने जौहर दिखाने आए हैं और हमारी टीम ने जो है अच्छे बच्चे सेलेक्ट किए हैं और 7 से 12 तक जो जमशेदपुर में नेशनल हो रहे हैं उसके लिए यहाँ से टीम चुन करके भेजेंगे। अब मुझे उम्मीद है कि ये बच्चे आगे चल करके हमारे जिला का, हमारे हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। और ये ललित कुमार का जो चयन किया है उसके लिए हम अपने हैंडबॉल एसोसिएशन के जो हमारे पदाधिकारी हैं और जो कोचिज साहब हैं जिन्होंने चयन किया, उनको मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा और ललित कुमार के माता पिता को भी मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा और ललित कुमार के लिए भी मेरी शुभकामनाएं हैं कि वो एशिया के अंदर भी जा कर के अपना नाम कमाए और ताकि उसके बाद वो आगे जो वर्ल्ड लेवल की जो गेम्स है वहाँ पर भी पहुँचे। सिटी चैनल के लिए बिलासपुर से विजय भारद्वाज की रिपोर्ट। जहां पूरे देश भर में दशहरा पर्व शुक्रवार को धूमधाम के साथ मनाया गया, वहीं हमीरपुर शहर में दशहरा पर्व को लेकर ना तो कोई तैयारी दिखी और ना ही कोई हर्षोल्लास। इसका कारण, हमीरपुर शहर में गत कुछ सालों से दशहरा पर्व केवल रविवार के दिन ही मनाया जाता है और दशहरा पर्व के लिए बनाए गए पुतले भी कई कई दिन तक जलने का इंतजार करते हैं। जहां पूरे देश में दशहरा पर्व शुक्रवार को धूमधाम से मनाया गया, वहीं हमीरपुर में इस पर्व को लेकर कोई तैयारी नहीं दिखी। हमीरपुर शहर में कुछ सालों से दशहरा पर्व केवल रविवार के दिन ही मनाया जाता है और दशहरा पर्व के लिए बनाए गए पुतले भी कई कई दिन तक जलने का इंतजार करते हैं।
हमीरपुर के सीनियर सेकेंडरी बाल स्कूल खेल मैदान में अभी कुंभकर्ण, मेघनाथ व रावण के पुतले जलाए जाने के लिए तैयार किए जा रहे हैं। हालांकि दशहरा पर्व बीत जाने के बाद भी हमीरपुर में दशहरा पर्व धूमधाम से मनाया जाता है और इस अवसर पर काफी संख्या में लोग इकट्ठे होकर कार्यक्रम का लुत्फ उठाते हैं। इस बार दशहरा पर्व के अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस अवसर पर दिन के समय खेलकूद प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएगी। नगर परिषद अध्यक्ष एवं हमीर दशहरा कमेटी के अध्यक्ष दीप कुमार बजाज ने बताया कि दशहरा 5 अक्टूबर रविवार को मनाया जाएगा और इस दिन पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। उन्होंने बताया कि रविवार को हर वर्ग को छुट्टी होने के चलते 2 दिन देरी से दशहरा मनाया जाएगा। दशहरा जो है 5 तारीख रविवार के दिन मनाया जा रहा है। वैसे दशहरे की जो एक्चुअल डेट है वो 3 तारीख होती है, लेकिन कुछ वर्षों से जनता की पुरजोर मांग पर शहर के जितने भी व्यापारी लोग हैं इनकी डिमांड कि संडे को हम छुट्टी करते हैं तो संडे को हम परिवार से इसका पूरा आनंद ले सकते हैं। रविवार के दिन में खेलों का आयोजन किया जा रहा है, सारा दिन गेम्स होंगी, उसके बाद इनको इनाम बांटे जाएंगे और उसके बाद रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों को अग्नि भेंट किया जाएगा। सिर चैनल के लिए हमीरपुर से अरविंदर सिंह की रिपोर्ट। हमीरपुर के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला खेल मैदान में चल रही 3 दिवसीय जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता संपन्न हो गई। इस अवसर पर राज्य आपदा प्रबंधन बोर्ड के उपाध्यक्ष राजेंद्र राणा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मुख्य अतिथि ने विजेता टीमों को पुरस्कार बांटे। इस प्रतियोगिता में जिला भर की 20 टीमों के लगभग 100 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। हमीरपुर के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला खेल मैदान में चल रही 3 दिवसीय जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता संपन्न हो गई। समापन मौके पर राज्य आपदा प्रबंधन बोर्ड के उपाध्यक्ष राजेंद्र राणा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। अपने संबोधन में राजेंद्र राणा ने कहा कि बच्चों को आज के युग में हर गतिविधि में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए और अपने स्वास्थ्य का खास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अगर स्वास्थ्य ठीक होगा तभी सब कुछ ठीक होगा। उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रहना चाहिए। स्वाभाविक है कि आप फिट भी रहेंगे, तो फिटनेस के लिए ये नहीं है कि स्कूल में आप जाते हैं तो आपको टीचर जो हैं आपके आपको खिलाते हैं और फिट रहते हैं, घर में भी फिटनेस का ध्यान रखिए, सुबह उठकर दौड़ लगाइए। इस मौके पर मुख्य अतिथि ने विजेता टीमों को पुरस्कार भी प्रदान किए। सिट चैनल के लिए हमीरपुर से अरविंदर सिंह की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश को देवी देवताओं का प्रदेश माना जाता है और वर्ष भर यहाँ धर्म और आस्था के नाम पर अलग अलग तीज त्योहारों व धार्मिक कार्यों का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में इस साल नवरात्रों की धूम मंडी के गोहर उपमंडल के अंतर्गत माता म्याहा मंदिर में भी देखने को मिली। जिला मंडी के गोहर उपमंडल में माता महिषासुरिनी मंदिर में नवरात्रों के दौरान एक विशेष पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ ऐसा भी माना जाता है कि जिन औरतों के पुत्र नहीं होते या जिनके केवल एक ही पुत्री होती है उनको 10 महाविद्या के रूप में देवी का अवतार माना गया है। ऐसे में वे औरतें समाज में एक विशेष स्थान रखती है। 10 महाविद्या औरतों का पूजन इसलिए करवाया जाता है ताकि समाज में उन औरतों को विशेष सम्मान मिल सके। मंदिर के पुजारी का मानना है कि जिनके केवल एक ही पुत्री होती है केवल उन्हीं औरतों को पूजा योग्य माना जाता है। ऐसे में इस विशेष पूजा में 151 कन्याओं के साथ साथ उन 10 महिलाओं का भी पूजन किया जाता है जिनके केवल एक ही पुत्री होती है। धार्मिक आस्था के नाम से जुड़ी महिषासुरिनी मंदिर बासा में हर साल होने वाले नवरात्रों में एक विशाल और भव्य विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें 151 कन्याओं का विधिवत रूप से पूजन किया जाता है। नवरात्र के इस विशेष धार्मिक पूजन में माता के पंडाल क्षेत्र में माता की आरती के साथ साथ शास्त्रानुसार पंडित लोग हवन कुंड में आहूतियाँ डालते हैं और शुरू होता है 151 कन्याओं का मंगल पूजन। इस विशेष पूजा अर्चना में हजारों श्रद्धालु अपनी अपनी इच्छानुसार सभी पूजनीय कन्याओं को पूजने के साथ साथ दक्षिणा भेंट कर पुण्य कमाते हैं। यही नहीं, महायज्ञ में विभिन्न स्थानों से आए भक्तगण
भजन कीर्तन और विशेष प्रकार के लंगर भंडारे का आनंद उठाते हैं। गोरो उपमंडल में धर्म से जुड़े ऐसे सैकड़ों मंदिरों का अपना अलग इतिहास रहा है। वहीं माता के इस मंदिर प्रांगण में कन्या भ्रूण हत्या को लेकर विशेष प्रकार की पूजा का आयोजन किया जाता है, जिसमें क्षेत्र के पंडित वर्ग माता के प्रांगण में लगाए गए हवन कुंड में आहूतियां डालते हैं। महिषासुर मर्दिनी में अमाई के मंदिर में यहाँ की जितने कर भी स्थानीय जनता है उनके सहयोग से यज्ञ का हर नवरात्रों में आयोजन किया जाता है। हमारा एक ही उद्देश्य होता है कि हम धार्मिक भावना एरिए में हमेशा हर आदमी के दिल में ले जाएं, और हमारा विशेष रहता है कि इस नवरात्रों के माध्यम से हम लोगों में संदेश दें कि वो अपनी हिंदू संस्कृति से जुड़े रहें तथा भ्रूण हत्या को रोकने के लिए विशेष आयोजन हम नवरात्रि के अंतिम दिन जो आज हम कर रहे हैं कि 150 से ऊपर कन्याओं का हम पूजन करते हैं और उसमें 10 औरतों का पूजन करते हैं जिनमें कि जिनके की पुत्रियाँ ही पैदा हुई हो, तो उनको प्रोत्साहित करने के लिए कि पुत्री पुत्र से ज़्यादा बढ़कर होती है और भगवती का रूप होती है। सिटी चैनल के लिए गोहर से हरीश चौहान की रिपोर्ट। जहां पूरे देश भर में दशहरे के दिन रावण दहन के साथ दशहरे का त्योहार संपन्न हो जाता है, वहीं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में दशहरे के दिन से दशहरा उत्सव प्रारंभ होता है। कुल्लू में दशहरा उत्सव 7 दिनों तक मनाया जाता है। न यहां रामलीला होती है और न ही यहां रावण का पुतला फूंका जाता है। कुल्लू दशहरा उत्सव को सैकड़ों देवी देवताओं के कुंभ के नाम से भी जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव एक ऐसा उत्सव है जो कि देवघाटी कुल्लू के ढालपुर मैदान में सैकड़ों देवी देवताओं की उपस्थिति में ढोल नगाड़ों के साथ धूम धड़ाके के साथ मनाया जाता है। इस उत्सव में कुल्लू जिला के सैकड़ों देवी देवता शामिल होते हैं। दूर दराज से पैदल चलकर आए ग्रामीण अपने देवी देवताओं को कंधों पर उठाकर सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय कर भगवान रघुनाथ के मंदिर में हाजिर होते हैं। मनाली से हिडिंबा माता जब तक दशहरा उत्सव में नहीं पहुंचती, तब तक दशहरे के त्योहार की शुरुआत नहीं होती है। भगवान रघुनाथ जी के मंदिर में हाजिरी भरने के बाद सभी देवी देवता भगवान रघुनाथ के साथ कुल्लू के ढालपुर मैदान में पहुंचते हैं। मैदान में विभिन्न रंगों से सजा रथ रघुनाथ जी की यात्रा के लिए पहले से ही तैयार होता है। भगवान रघुनाथ जी को पूजा अर्चना करने के बाद रथ में बिठाया जाता है और साथ में पुजारी भी रथ में सवार हो जाते हैं। घाटी के लगभग 250 के करीब देवी देवता रघुनाथ के रथ के पीछे लंका की चढ़ाई करने चल पड़ते हैं। हजारों की संख्या में भक्त लोग रघुनाथ के रथ को रस्सों से खींचते हुए भरे मेले के बीचों बीच मैदान में बने रघुनाथ जी के अस्थायी शिविर तक ले जाते हैं। ढोल नगाड़ों के बीच रंग बिरंगे देवी देवता ऐसे दिखते हों कि मानो वो स्वर्ग से धरती पर उतर आए हों। देश विदेश से आए पर्यटक इस उत्सव को देखकर काफी प्रसन्न होते हैं। जयपुर राजस्थान से आए हैं, देखिए अभी तो देख ही रहे हैं और देख के अच्छा लग रहा है। वो बहुत तरह से लोग भी यहाँ के ऊपर ऊपर से लोग आए हैं, अलग अलग तरह के सामान मिल रहा है, लोगों में एक खुशी का माहौल है। हमको भी आगे देख के लग रहा है कि हाँ थोड़ा सा अलग सा है कुछ और बहुत मज़ेदार लग रहा है अभी तक। हाँ, ये जब हम जहाँ से आए होटल से, होटल वालों ने बताया कि यहाँ से जो आसपास के देव देवतियाँ हैं सब यहाँ पे आते हैं और दशहरे की आज के दिन से शुरू होता है और अगले 7 दिन तक मेला चलता है यहाँ पे। गौरतलब है कि इसी समय भगवान रघुनाथ जी की मूर्ति, जो कि स्वयं भगवान राम जी ने अश्वमेघ यज्ञ के दौरान अपने हाथों से बनाई थी, उसे 1630 ईस्वी में कुल्लू लाया गया था। इसी के बाद इस त्योहार को हर वर्ष धूमधाम के साथ मनाया जाता है। दशहरा है ये बाकी इंडिया के दशहरे से सबसे लास्ट में मनाया जाता है। पूरे इंडिया में जब दशहरा खत्म हो जाता है यहाँ दशहरा स्टार्ट होता है।
यहाँ की जो परंपरा है वो जो राजा महेश्वर जी है इनके जो पूर्वजे हैं इन्होंने महाराज को अपने आप वहाँ रघुनाथ अयोध्या से ले आया है और वही मूर्ति आज तक है। ये वो मूर्ति है जो अयोध्या में भगवान श्री राम ने अपने हाथ से बनाई थी। उसके उपलक्ष्य में जब वो यहाँ कुल्लू में पहुँची है उसके स्वागत में सभी देवी देवता आए और तब से ही जो है ये दशहरा चलता रहा और जिसकी परंपरा आज तक विख्यात है। 7 दिनों तक भगवान रघुनाथ कुल्लू के ढालपुर मैदान में घाटी के सभी देवी देवताओं के साथ तंबुओं में ही रहते हैं। कुल्लू दशहरा उत्सव एक ऐसा उत्सव है जिसमें घाटी के सभी देवी देवताओं के 7 दिनों तक दर्शन किए जा सकते हैं। 7 दिनों तक रोजाना सुबह शाम तंबू में ही पूजा अर्चना होती है जैसे कि मंदिरों में पूरे साल की जाती है। देवी देवताओं के इस महाकुंभ में भगत भी नीले आसमान के नीचे अपने अपने देवताओं के साथ रहते हैं। सिरचैनल के लिए कुल्लू से मनमिंदर अरोड़ा की रिपोर्ट। भारत की पुरुष हॉकी टीम द्वारा फाइनल मैच में पाकिस्तान को हराने के बाद मेजर ध्यानचंद हॉकी सोसाइटी कंडाघाट के सदस्यों ने कंडाघाट में सभी दुकानों में भारत की जीत की खुशी में मिठाइयां बांटी। मेजर ध्यानचंद हॉकी सोसाइटी कंडाघाट के सदस्यों ने सोसाइटी के अध्यक्ष रणधीर सिंह चंबियाल की अध्यक्षता में सभी दुकानों में मिठाइयां बांटी व लोगों को भारत की पुरुष हॉकी टीम को मिली जीत को लेकर बधाई दी। भारत की पुरुष हॉकी टीम द्वारा 48 साल बाद हॉकी के फाइनल मैच में पाकिस्तान को हराने के बाद बुधवार को मेजर ध्यानचंद हॉकी सोसाइटी के सदस्यों द्वारा कंडाघाट की सभी दुकानों में भारत की जीत की खुशी में मिठाइयां बांटी गई। इस दौरान सोसाइटी के सदस्यों ने भारत माता की जय हो के नारे भी लगाए। मेजर ध्यानचंद हॉकी सोसाइटी के अध्यक्ष रणधीर सिंह चंबियाल ने कहा कि उनकी सोसाइटी के सदस्यों द्वारा कंडाघाट के दुकानदारों को भारत की पुरुष हॉकी टीम द्वारा फाइनल मैच में पाकिस्तान को हराने के बाद मिठाइयां बांटी गई। रणधीर सिंह ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान को 48 साल बाद हराया है। उन्होंने भारत की टीम से आग्रह किया है कि वे आगे भी इसी तरह प्रदर्शन करें। भारत ने पाकिस्तान को हराकर एशियन गेम में 48 साल बाद गोल्ड मेडल जीता है। 1966 में जब बैंकॉक में एशियन गेम हुई थी तो वहाँ भारत की टीम ने पाकिस्तान को हराया था। बहुत लंबा अरसा रहा और 16 साल बाद गोल्ड मेडल आया है जब एशियन गेम में हरा। इससे पहले हमारी टीम के कप्तान धनराज पिल्ले 1996 में जब एशियन गेम खेले थे वहाँ गोल्ड मेडल आया था। उसके बाद अभी सरदारा सिंह एंड कंपनी सिटी चैनल के लिए कंडाघाट से ललित वर्मा के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट। सोलन जिले के कुनिहार में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी दशहरा उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। उत्सव की प्रथम सांस्कृतिक संध्या में जिला के उभरती गायिका दीप्ति ने खूब समा बांधा। उनके द्वारा पेश की गई प्रस्तुतियों ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। सोलन जिले के कुनिहार में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी दशहरा उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। 3 दिवसीय उत्सव की प्रथम सांस्कृतिक संध्या में हिमाचल प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्षा जैनब चंदेल ने मुख्य अतिथि और अर्की के SDM LR वर्मा विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। प्रथम सांस्कृतिक संध्या में जहां स्कूली विद्यार्थियों ने नृत्य व गायन प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा के जौहर दिखाए, वहीं दीप्ति ने एक से बढ़कर एक पंजाबी व हिंदी गीत प्रस्तुत कर दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। मुख्य अतिथि जैनब चंदेल ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र स्तर पर ऐसे आयोजन जहां एकता व अखंडता के प्रतीक है वहीं इससे स्थानीय लोगों का मनोरंजन भी होता है। जो ये कमेटी है जो ये इस रामलीला कमेटी ये बहुत अच्छे से यहां पर इसका आयोजन कर रही है। ये बहुत बड़ी बात है कि लगातार 3 दिनों तक इस जो सु अवसर पर ये प्रोग्राम कर रहे हैं ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और बहुत मुश्किल काम भी है।
इसको अंजाम देना। तो मैं इसके लिए इन सभी को दशहरा ये जो कमेटी है रामलीला कमेटी इन सबको बधाई देना चाहती हूँ। कार्यक्रम के संयोजक राजेंद्र ठाकुर ने मुख्य अतिथि व उपस्थित जनों का संस्था की ओर से अभिनंदन किया और तीन दिवसीय महोत्सव की जानकारी दी। नाइट कल्चर प्रोग्राम में 8 से 10 बजे तक डिफरेंट जो हिमाचली कलाकार हैं उसमें भाग ले रहे हैं। 3 दिन चलने वाले दशहरा उत्सव में हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया कि इसको जिला स्तरीय लेवल का हम इसको मंत्री महोदय से घोषित करवाएं, क्योंकि हमने जो काफ़ी मेहनत की इसमें स्थानीय लोगों ने काफ़ी मेहनत की और बहुत सारा क्राउड इसमें तकरीबन 7,000 लोग एक दिन में इकट्ठा होते हैं और लास्ट दिन हमने सभी लोगों को भंडारे की व्यवस्था की है। हम यही समझते हैं कि नवरात्रि के उपलक्ष्य में जो ये कार्यक्रम हो रहा हमारा ये हिमाचल में एक डिफरेंट सा है। 3 दिन तक जो दशहरा उत्सव है यहाँ पर कुल्लू में मनाया जाता है, बाकी अन्य जगह पे 1 और 2 दिन का होता है। सिरचौन के लिए कुनिहार से अजीत कौशल के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट। पूर्व बागवानी मंत्री एवं भाजपा नेता नरेंद्र बरागटा ने कहा कि जब कांग्रेस विपक्ष में थी तो उनका एकमात्र एजेंडा सड़क का था और चुनाव में वादा किया था कि सत्ता में आने पर 3 महीनों में ही सड़कें चकाचक कर दी जाएगी, लेकिन कांग्रेस के 2 साल पूरे होने जा रहे हैं और सड़कों की दुर्दशा और बदतर हो गई है। बरागटा रोहड़ू में पत्रकारों को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। पूर्व बागवानी मंत्री नरेंद्र बरागटा ने जुब्बल कोटखाई के विधायक व सीपीएस रोहित ठाकुर पर आरोप लगाते हुए कहा कि विधायक और मुख्यमंत्री में 36 का आंकड़ा है। जब मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जुब्बल कोटखाई आते हैं तो रोहित ठाकुर वहां से नदारद रहते हैं। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में कांग्रेस सरकार के 2 वर्षों में एक भी नया काम और शिलान्यास नहीं हुआ है। बरागटा ने कहा कि इस क्षेत्र में भाजपा सरकार के समय की योजनाओं के उद्घाटन किए जा रहे हैं और जो ये गड्ढे पड़े हैं ये गड्ढे सड़कों में नहीं पड़े मेरे मित्रों, ये गड्ढे जो है जिला शिमला के रोड़ू जुब्बल कोटखाई सबसे ज़्यादा सेब उत्पादक क्षेत्र में है, ये उनके दिल में पड़ गए और ये गड्ढे आसानी से निकलने वाले नहीं है। कांग्रेस सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा और लोगों ने तो जवाब दे दिया है। पार्लियामेंट चुनाव में जिस तरह से बुरी तरह से हिमाचल प्रदेश में 61 सीटों पर भाजपा को जो है वो जिताया है लोगों ने, एक कड़ा संदेश है। जो हमारे विधायक हैं वो बिल्कुल निर्धारित होने के साथ जो है वो बिल्कुल सेंसिटिव नहीं है यहाँ की प्रॉब्लम को देखकर और इतने लोगों का नुकसान हुआ है, इतना इस खास करके जो जुब्बल कोटखाई से ये 90% सड़क जाती है, मुख्यमंत्री आते हैं तो कुछ हिस्सा जो है सड़क का चमका दिया जाता है, उसके जो है वो कुछ गड्ढे भर दिए जाते हैं सिर्फ जहाँ तक मुख्यमंत्री जाना है, लेकिन बाकी का क्या हो रहा है। यानी कि जिस तरह से इस बारी सेब सीजन हैंडल किया है कांग्रेस जो है पूरी तरह फेल हुई है। पहले उन्हें भाड़े बढ़ा दिए, उसके बाद सारी सड़कों की दुर्दशा आपके सामने है, उसके बाद विद्या स्टोक जी ने आनंद फानन में एक जो है वो अध्यादेश जारी कर दिया कि आप पेटियां जो है उतने में भरोगे और तरह तरह की समस्याएं जो है पूरे सीजन में लोगों को जो है उसके एक दो होना पड़ा है। और कलेक्शन सेंटर आपको यह जानकर के हैरानी होगी कई जगह तो अभी तक नहीं खुले। उन्होंने आरोप लगाया कि जुब्बल कोटखाई की जनता के साथ जानबूझकर सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। सेब सीजन समाप्ति पर है लेकिन अभी भी बहुत स्थानों पर सेब खरीद केंद्र नहीं खोले गए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र में भाजपा सरकार के रहते पिछले 3 महीनों में विदेश से कोई सेब नहीं आया। जो स्टैंड मोदी ने लिया है उसका असर सीधा दिखा है और आपने देखा होगा पिछले 3 महीने से मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि एक भी सेब जो है हिंदुस्तान में जो है वो प्रवेश नहीं हुआ है। सारा बाहर का देश का सेब जो है वो पिछले 3 महीने से कहीं पर भी एक सेब नहीं आया। सिटी चैनल के लिए रोहड़ू से रविंद्र ठाकुर की रिपोर्ट। संजीवनी जन कल्याण समिति कनलोक द्वारा पर्यावरण और समाज सेवा के क्षेत्र में समय समय पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। दशहरा उत्सव के उपलक्ष्य पर भी समिति द्वारा शिमला के कनलोक में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिसमें स्कूली बच्चों सहित अन्य लोगों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। शिमला के कनलोक में संजीवनी जन कल्याण समिति द्वारा दशहरा उत्सव के उपलक्ष्य पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर स्कूली बच्चों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। वहीं अन्य कार्यक्रमों में बच्चों के साथ साथ अन्य लोगों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया।
इस मौके पर संजीवनी जन कल्याण समिति के प्रधान चंद्रमोहन सिंह चंदेल ने कहा कि समिति द्वारा समय समय पर समाज सेवा के क्षेत्र में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से युवाओं व बच्चों की प्रतिभा को आगे लाने का प्रयास किया जाता है। वहीं इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को नशे से दूर रखने का भी प्रयास किया जाता है। हमारा जो दशहरा उत्सव है पिछले 10 साल से मना रहे हैं और इसमें हमारी जो एक्टिविटीज़ होती है वो पेंटिंग कॉम्पिटिशन स्टार्ट होती है। इसके बाद हमारे झांकी होगी, उसके बाद हमारा जो पेंटिंग कॉम्पिटिशन है वो हमने 3 भागों में बांटा होता है, सब जूनियर जूनियर और सीनियर्स एज वाइज होता है। और शिमला के तकरीबन 150 बच्चों ने डिफरेंट स्कूल के बच्चों ने सब भाग लिया। कुछ कल्चर एक्टिविटीज़ हैं, बच्चों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोलो डांस, सिंगिंग कॉम्पिटिशन, डिफरेंट है कॉम्पिटिशन। हमारी सोसाइटी जो है ये इसका मेन एम और ऑब्जेक्टिव है कि हम अपनी सोसाइटी को उस तरह से डेवलप करें जो नए बच्चे जनरेशन जो आ रही है ये बड़े फ्रूटफुल पर्पज़ कंट्री को दें। बिकॉज जिस कंडीशन पर इस टाइम कंट्री चल रही है, एंटायर कंट्री के जो यंग है, यूथ है, वो इस टाइम ड्रग इंटेलिजेंस हो चुके हैं। अगर इस तरह की एक्टिविटीज़ में बच्चों को डाला जाएगा तो बच्चे जो उनका मॉरल और सपोर्ट होगा और जो उनका जो मैच्योर मेंटली मैच्योर होंगे वो हमारे कंट्री का पिलर साबित होंगे। जो मेरी सोसाइटी है इसमें हम एट प्रेस 50 पीपल हैं और जो ये आप देख रहे हैं 50 के 50 लोग इस सोसाइटी का एक प्रकार से अभिन्न अंग हैं। सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट। रामपुर के समीप नोगली सर्वपल्ली राधाकृष्णन बीएड और एमएड कॉलेज में एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रशिक्षु अध्यापकों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया। इस मौके पर हिमाचल विश्वविद्यालय के पूर्व निदेशक ओपी सारस्वत ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। रामपुर के समीप नोगली सर्वपल्ली राधाकृष्णन बीएड और एमएड कॉलेज में एक समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय इकडोल के पूर्व निदेशक ओपी सारस्वत ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मुख्य अतिथि ने प्रशिक्षु छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि वही इस देश का नेतृत्व कर सकता है जिसमें इस लोक को पहचानने की और साधने की क्षमता हो। वो महात्मा ही इस देश का नेतृत्व कर सकता है जिसमें इस लोक को पहचानने की, इस लोक को साधने की और उस लोक के प्रति चिंता करने की शक्ति और ऐसी चेतना विद्यमान थी। महात्मा गांधी एक महागाथा थे। अगर शास्त्री जी, मैं कई बार सोचता हूँ अगर महात्मा गांधी जी रामायण हैं तो शास्त्री जी गीता हैं। इस अवसर पर विशेष अतिथि संगीता ने महात्मा गांधी को महान विचारक और नारी सशक्तिकरण की सोच वाले व्यक्तित्व होना बताया। समारोह में ह्यूमन वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष ने सर्वपल्ली राधाकृष्णन बीएड कॉलेज के छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए 95% से अधिक उपस्थिति पर प्रशिक्षुओं को 21,000 और 85% से 95% हाजिरी पर 11,000 का इनाम दिया। इसके अलावा विश्वविद्यालय स्तर पर प्रथम आने वाले प्रशिक्षुओं को 51,000 व कॉलेज में प्रथम आने वालों को 11,000 इनाम देने की भी घोषणा की। समारोह के दौरान प्रशिक्षु अध्यापकों ने मनमोहक प्रस्तुतियों से अतिथियों का मनोरंजन किया। मुख्य अतिथि ने प्रशिक्षुओं को इनाम भी बांटे। सिटी चैनल के लिए रामपुर से विशेष नेगी की रिपोर्ट। कांगड़ा जिला ईंट भट्टा संघ के अध्यक्ष गिरिधर गोपाल शर्मा को प्रदेश सरकार द्वारा खाद्य एवं आपूर्ति विभाग का विजिलेंस सदस्य चुना गया है। गिरिधर गोपाल शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है उसे वे पूरी निष्ठा, मेहनत और लगन से निभाने का प्रयास करेंगे। इस मौके पर ईंट भट्टा संघ ने खुशी जाहिर की और गिरिधर गोपाल शर्मा का सदस्य बनने पर फूल मालाएं पहनाकर अभिवादन किया। कांगड़ा जिला ईंट भट्टा संघ के अध्यक्ष गिरिधर गोपाल शर्मा को प्रदेश सरकार ने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग का विजिलेंस सदस्य चुना है। इस मौके पर जिला ईंट भट्टा संघ ने खुशी जाहिर की। वहीं गिरिधर गोपाल शर्मा ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का आभार व्यक्त किया और कहा कि उन्हें सरकार ने जो जिम्मेदारी सौंपी है उसे पूरी निष्ठा से निभाने का प्रयास करेंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा स्टेट सिविल सप्लाई विजिलेंस कमेटी का मेंबर नियुक्त किया गया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह व परिवहन मंत्री श्री जीएस वाली का
तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ व आश्वासन देता हूँ कि मैं जो मुझे जिम्मेवारी दी गई है इसे पूरी निष्ठा लगन और मेहनत से निभाऊंगा। इस मौके पर जिला ईंट भट्टा संघ के सदस्यों ने गिरिधर गोपाल शर्मा का फूल मालाएं पहनाकर अभिवादन किया। सिरचरण के लिए नूरपुर से अजय गुलेरी की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने प्रदेश में बॉक्सिंग हॉस्टल स्थापित करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री शिमला के एक निजी विश्वविद्यालय परिसर में पुरुषों की वरिष्ठ बॉक्सिंग प्रतियोगिता के समापन अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताएं उभरते हुए खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने और खेल की बारीकियों से परिचित करवाकर बेहतर बॉक्सर बनकर उभरने के लिए उचित मंच उपलब्ध करवाती है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार हर खेल को बढ़ावा दे रही है। प्रदेश सरकार बॉक्सिंग को बड़े स्तर पर बढ़ावा देने पर विचार कर रही है क्योंकि इस खेल के लिए अधिक खेल अधोसंरचना की आवश्यकता नहीं होती। मुख्यमंत्री शिमला के एक निजी विश्वविद्यालय परिसर में पुरुषों की प्रदेश वरिष्ठ बॉक्सिंग प्रतियोगिता के समापन अवसर पर बोल रहे थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हालांकि प्रदेश में हॉकी, सॉकर और क्रिकेट जैसे खेलों के आयोजन के लिए कई बड़े मैदान निर्मित किए जा रहे हैं, लेकिन प्रदेश सरकार चाहती है कि प्रत्येक स्कूल का अपना खेल मैदान हो ताकि आरंभ से ही बच्चों की खेल कुशलता को निखारा जा सके। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश के विभिन्न भागों में 50 लाख रुपए व्यय कर 50 खेल मैदानों का निर्माण कर रही है। प्रदेश में बॉक्सिंग एकेडमी के निर्माण के आग्रह पर मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि प्रदेश सरकार इस मांग पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी। वीरभद्र सिंह ने कहा कि उन्हें ये जानकर बेहद प्रसन्नता हो रही है कि हिमाचल प्रदेश के बॉक्सिंग खिलाड़ी अन्य राज्यों के बच्चों को भी प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें जानकारी दी गई है कि यहां उपस्थित बॉक्सिंग कोच हिमाचली है जो प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बिशप कॉटन स्कूल के अपने दिनों को याद करते हुए कहा कि वे भी उन दिनों बॉक्सिंग किया करते थे क्योंकि स्कूल में प्रत्येक विद्यार्थी के लिए सभी खेल खेलना अनिवार्य था। मुख्यमंत्री ने प्रतिभागियों को बधाई देते हुए आशा व्यक्त की कि उभरते हुए खिलाड़ी भविष्य में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। उन्होंने दक्षिण कोरिया में एशियन खेलों में बेहतर प्रदर्शन करने व पदक जीतने के लिए प्रदेश के शूटरों को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि शिमला के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में 10 मीटर इंडोर शूटिंग रेंज स्थापित की जा रही है और जो बच्चे यहां पर ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं और नेशनल के लिए तैयारी हो रही है उन सबको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। और हमारे हिमाचल के ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो हैं वो उसमें भाग लें, दक्षता हासिल करें, कोच बने और खेल जगत में वो कई किस्म के पुरस्कार प्राप्त करें, नाम रोशन करें, उसके लिए मैं अपनी शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री ने प्रतियोगिता के विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार भी वितरित किए। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला। शिमला जिले के रोहड़ू की ग्राम पंचायत समोली के सैंजी गांव में विशेष ग्राम सभा का आयोजन पंचायत प्रधान प्रकाश चंद रेटका की अध्यक्षता में किया गया। ग्राम सभा में तहसीलदार रोहड़ू गुरमीत नेगी विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि प्रकाश चंद रेटका ने पंचायत के लोगों को संबोधित करते हुए नव निर्मित भवनों का लोकार्पण करने पर सभी को बधाई दी और राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान के तहत स्वच्छता के लिए ग्रामीणों को शपथ भी दिलाई। शिमला जिला के रोहड़ू में ग्राम पंचायत समोली के सैंजी गांव में विशेष ग्राम सभा का आयोजन पंचायत प्रधान प्रकाश चंद की अध्यक्षता में किया गया। इस दौरान पंचायत में 5 लाख रुपए की लागत से बना सामुदायिक भवन व 2.5 लाख की लागत से बने महिला मंडल भवन व 5 लाख रुपए की लागत से बने सामुदायिक भवन चांडा का उद्घाटन किया। ग्राम सभा में इस दौरान पंचायत में साल भर के आय व व्यय का ब्यौरा भी रखा गया। इस अवसर पर स्कूली बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए।
गौरतलब है कि रोहड़ू की ये पंचायत निर्मल ग्राम पुरस्कार से भी सम्मानित है। प्रधान प्रकाश चंद ने पंचायत के लोगों को संबोधित करते हुए नवनिर्मित भवनों का लोकार्पण करने पर सभी को बधाई दी और राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान के तहत स्वच्छता के लिए ग्रामीणों को शपथ भी दिलाई। तीन बिल्डिंग यहाँ पर बनाई है जिसका भी हमने आपके सामने जिक्र किया है। 5 लाख हमने यहाँ का भवन तैयार किया है, 5 लाख हमने एक भवन आगे तैयार किया है। वैसे हमने आपको इस सामुदायिक भवन को आज हम संभाल रहे हैं, उसी तरह आप उसका रख रखाव भी करें ताकि आगे भी आपके ये काम आएगा। आप सब लोगों से निवेदन है कि भाई हर आदमी की ये डिमांड रहती है कि भाई हम भी मुख्यमंत्री के पास जाते हैं, हम भी राज साहब कहते हैं राज साहब हमको ये डिमांड करिए, ये डिमांड करिए। तो लोगों को हमसे उम्मीद है कि भाई आज आप देख रहे हैं कि भाई इस पंचायत के अंदर 5 प्राइमरी स्कूल है, 1 मिडिल स्कूल है और कहाँ हमने सोली को गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल तक पहुँचा के दिया। सिरचैन के लिए रोहड़ू से रविंदर ठाकुर की रिपोर्ट। अमृतसर से अपनी कला का प्रदर्शन करने शिमला पहुंचा महिला कलाकारों का समूह कारवां। शिमला के गेयटी थिएटर में पेंटिंग, फोटोग्राफी और मूर्तिकला जैसे विभिन्न विधाओं का प्रदर्शन कर रहा है। शुक्रवार 3 अक्टूबर को इस प्रदर्शनी का शुभारंभ हिमाचल प्रदेश विजुअल आर्ट के HOD डॉक्टर हिम चैटर्जी ने किया। प्रदर्शनी 5 अक्टूबर तक चलेगी। शिमला के गेयटी थिएटर में अमृतसर से आए महिला कलाकारों के समूह कारवां द्वारा पेंटिंग, फोटोग्राफी, मूर्तिकला जैसी विभिन्न विधाओं में प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। 3 अक्टूबर से शुरू हुई ये प्रदर्शनी 5 अक्टूबर तक चलेगी, जिसका शुभारंभ हिमाचल प्रदेश विजुअल आर्ट के HOD डॉक्टर हिम चैटर्जी ने किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि हिमाचल प्रदेश विजुअल आर्ट के HOD डॉक्टर हिम चैटर्जी ने प्रदर्शनी के आयोजन के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि इन 11 कलाकारों ने अलग अलग रूपों को प्रदर्शित किया है। उन्होंने कहा कि शिमला पर्यटन ही नहीं कला का भी स्थान है, यहाँ पर देश भर से कलाकार अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करना चाहते हैं। उन्होंने प्रदर्शनी में रखे चित्रों की सराहना की। दशहरे के इस शुभ अवसर पर हमारे बीच शिमला में अमृतसर से पंजाब से आए हुए 10 कलाकार हैं जिनकी की चित्रों की प्रदर्शनी का उद्घाटन का अवसर मुझे प्राप्त हुआ और मैं दिल से इनको बधाई देता हूँ कि सबसे पहले तो इन्होंने नॉर्थ इंडिया में शिमला को चुना और स्पेशली इस ऐतिहासिक गेयटी थिएटर में चुना जहाँ की इन्होंने ये अपना एग्जीबिशन करने का प्रयास किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन 11 कलाकारों ने बिल्कुल 11 रूप से अलग अलग रूपों से इस चित्र की प्रदर्शनी की है और इस प्रदर्शनी में हिमाचल के लोग, शिमला के लोग और ख़ासकर जो पर्यटक इन छुट्टियों में यहाँ आए हैं उनको ये भी लगेगा कि शिमला सिर्फ केवल पर्यटन स्थान नहीं है, शिमला एक कला का स्थान भी है जहाँ पर कि देश भर के अच्छे अच्छे कलाकार शिमला में अपनी अपनी प्रतिभाओं को लेकर, अपनी अपनी कलाओं को लेकर प्रदर्शनी करना हमेशा चाहते हैं। पर्यटन को और ख़ासकर यहाँ के जो युवा कलाकारों को भी एक प्रोत्साहन मिलेगा कि कैसे इन्होंने अपने अपने डिफरेंट माध्यम से, अलग अलग माध्यम से अलग अलग विषयों को कैसे उन्होंने चित्रों में सजाया है। प्रदर्शनी में भाग लेने आई कलाकारों ने बताया कि उनका प्रदर्शनी को आयोजित करने का उद्देश्य महिलाओं में आगे आने की भावना जागृत करना है। हम लोग पंजाब अमृतसर से आए हैं, हम लोग 11 फीमेल आर्टिस्ट हैं और हम लोग फीमेल लोगों को एक्सपोजर ज़्यादा देना चाहते हैं क्योंकि जनरली लेडीज़ घर में ही रह जाती हैं और बाहर कम निकलती हैं। सो इसलिए कोशिश की है कि हम मिलजुल के बाहर आने की कोशिश करें। इसमें पेंसिल शेडिंग, स्कल्पचर, पेंटिंग, सारा बुद्धा का काम, लैंडस्केप्स, सब कुछ ही है। कोशिश की है कि बहुत अलग अलग कलाकार लेके यहाँ पर एग्जिबिट करें और लोगों को पसंद करें। यहाँ पे सारा मिक्स है, अलग अलग थीम्स हैं, टोटली 11 आर्टिस्ट और सारे से सारे वुमेन आर्टिस्ट और सारे के सारे अमृतसर से हैं, कहीं और से नहीं है और सबके अलग अलग थीम्स हैं। हमारा मेन उद्देश्य ये है कि हम शिमला में लोगों को पता चले कि अमृतसर में भी आर्टिस्ट हैं वही, और स्पेशली फीमेल आर्टिस्ट। हम लोग फीमेल आर्टिस्ट को आगे करना चाहते हैं क्योंकि हर चीज़ में फीमेल्स को पीछे किया जाता है। आर्ट के थ्रू हम लोगों ने सोचा अपने पेंटिंग के थ्रू फीमेल्स को आगे लेके आए। सिरचैन के लिए शिमला से विक्रम कुमार के साथ लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट।
पिछले 9 दिनों से चल रहे नवरात्र उत्सव का मां दुर्गा की मूर्ति के विसर्जन के साथ ही समापन हो गया। इस मौके पर कालीबाड़ी मंदिर से मां दुर्गा की विशाल मूर्ति को स्कैंडल पॉइंट से एजी ऑफिस होते हुए संकट मोचन और फिर तारा देवी स्थित आईटीबीपी के तालाब में माता का विधिवत विसर्जन किया गया। इस दौरान माता के जयकारों से माहौल भक्ति रस से सराबोर रहा। पिछले 9 दिनों से चल रहे नवरात्र उत्सव के उपलक्ष्य में कालीबाड़ी मंदिर में बंगिया समुदाय के लोगों ने मां दुर्गा की पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना के बाद शुक्रवार को मां दुर्गा की मूर्ति का विसर्जन धूमधाम के साथ किया गया। विसर्जन से पहले मां की विधिवत पूजा और आरती की गई। मां देवी की मूर्ति का विसर्जन तारा देवी स्थित आईटीबीपी के तालाब में किया गया। इस दौरान पूरा वातावरण मां के जयकारों से गूंज उठा। बंगिया समुदाय के महासचिव ने मूर्ति विसर्जन के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी नवरात्र महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। सुबह से लेकर आज नवमी खत्म हुआ, सुबह 6:29 में, उसके बाद दशमी पड़ गया। तो हम जैसे पहले करते हैं दर्पण विसर्जन करने के बाद फिर हम शुरू किया 11:25 में प्रतिमा वरण करके हमारा जो लेडीज है वो लोग लाल पार जो साड़ी का पहनते हैं उसमें जो साड़ी है उसके लाल पार होते हैं तो वो साड़ी पहन के एक दूसरे के जो सिंदूर देते हैं हमारा शिमला में कोई दुर्गा पूजा के टाइम में जो एक इसका जो एक विशिष्ट रहते हैं जे हम इसी तरह वरण करने के बाद फिर प्रतिमा को हम ले गया तारा देवी पॉन्ड में, क्योंकि ये पानी में हम बहते हैं जाने के टाइम में प्रोसेशन करके निकलते हैं। सारे लेडीज आज धूमधाम इसी तरह नाचते हुए हमारा तारा देवी पॉन्ड में हम गया। फिर तारा देवी पॉन्ड में इनको हम जो विसर्जन बोलते हैं एक के बाद एक हम सारे प्रतिमा को विसर्जन कराए उसमें पानी में सब कर उसके बाद शांति जल दे के फिर आज हम एक दूसरा को मिलते हैं जो हम बंगाली में जो गले में मिल जाता है विजय सम्मेलन ही बोलते हैं उसके बाद सबको स्वीट्स देकर आज के कार्यक्रम हम समाप्त किया। वहीं श्रद्धालुओं ने भी सिटी चैनल के साथ अपने अनुभव साझा किए। 10 दिन सब साथ मिलके 5 दिन यहाँ कालीबाड़ी में सब भाई बहन हम एक बड़े परिवार जैसे मिलके रहते हैं। हम कलकत्ता में अपने घर से बहुत दूर आ गए पर एक हमने फिर नया परिवार बना लिया है और जो साल में एक ही बार हम यहाँ पर मिल पाते हैं। हम लोग सब इधर ही शिमला कालीबाड़ी में रहते हैं, सेवा करते हैं और माता को हमने सुबह शाम उसकी सेवा करी जितना कर सके और विदाई दे दिया। अब हम आशा करते हैं अगले साल फिर ये परिवार यहाँ पर फिर इकट्ठा होगा, मिलेगा और हम इसी तरह हंसी खुशी अपना पर्व मनाएंगे। दशहरा के दिन है आज, हमारे माँ का विदा हो रहा है आज। हमारे माँ बेटी जैसे है तो हम हर साल इसको बहुत उत्साह से हम ये इसको मनाते हैं। इसमें हम माँ को खाना मिठाई पान जो हमारे शगुन होते हैं उससे हम माँ को विदा करते हैं। 6 बजे से हमारा नवमी का पूजा हुए, उसके बाद होम के बाद हमारा ये आज माता का विसर्जन के लिए हमारा दर्पण विसर्जन हुआ। फिर हमारे सबने ये गुलाल खेले, माता को पहले हमने वरण किया, उनको सिंदूर दालता पाता और मिठाई खिला के पान पत्ता से उसका मुँह करके फिर उनका हमने आज विदा किया। फिर हम सबसे शुभ अवसर है आज का दिन विजयदशमी का, माँ को हम विदा करते हैं सिंदूर मिठाई और पान दे के उनको बोलते हैं आप जरूर आइए और हम जितने जो शादीशुदे हैं सब उनके आज का दिन उनके सिंदूर लगा के उनको विदा करते हैं। पिछले 9 दिनों से चल रहे नवरात्र उत्सव का समापन मां दुर्गा की मूर्ति विसर्जन के साथ ही संपन्न हो गया। भक्तों द्वारा मां की विधिवत रूप से पूजा अर्चना और आरती के बाद मां दुर्गा से फिर आने का आग्रह कर उन्हें नम आंखों से विदाई दी गई। सिटी चैनल के लिए शिमला से विक्रम कुमार के साथ अनीश चौहान।
शुक्रवार को दुर्गा नवमी के साथ साथ विजयदशमी की भी धूम रही। देश भर में बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक विजयदशमी का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। राजधानी शिमला समेत प्रदेश भर में भी दशहरा उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शिमला के जाखू मंदिर में प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने बुराई के प्रतीक रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का विधिवत दहन किया और मंदिर में पूजा अर्चना की। शुक्रवार को दुर्गा नवमी के साथ साथ विजयदशमी की भी धूम रही। देश भर में बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक विजयदशमी का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। शिमला के जाखू स्थित ऐतिहासिक हनुमान मंदिर में भी पूर्ण हर्षोल्लास के साथ शुक्रवार को दशहरा उत्सव मनाया गया। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने शिमला वासियों और देश भर से आए श्रद्धालुओं के साथ उत्सव में भाग लिया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर बुराई के प्रतीक रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के पुतलों को आग लगाई। उन्होंने कहा कि दशहरा उत्सव बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। देश भर में सभी धर्मों के लोग इस उत्सव में भाग लेते हैं। मुख्यमंत्री ने इससे पूर्व ऐतिहासिक हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना भी की। सिटी चैनल के लिए शिमला से अनीश चौहान की रिपोर्ट। सिटी रिपोर्ट के आज के इस अंक में इतना ही। प्रदेश भर की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सिटी चैनल। नमस्कार।